우리나라이도 우리나라이도. अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हमारा फिफ्थ ब्लॉग और इसमें आप लोगों को दिखाएं कि आज हम जा रहे हैं बैंकों के शिकार में। अब्दुल हमीद शाह और ये है कैसेट, मतलब इसको टेप के अंदर डालेंगे तो, और ये हमारा टेप है तो ये रात को चलेगा, पूरी रात चलेगा। दो कैसेट और ये सब हमने लिया आदम बलोच, और अभी बस हम निकलेंगे दोस्तों के साथ, वहाँ पिकनिक भी करेंगे और बटेर के शिकार में भी जाएंगे। तो अभी गाड़ी स्टार्ट है, हम जाएंगे वहीं पे, आप लोगों को दिखाएंगे कैसे पकड़ेंगे इसको। अभी हम आ गए यहाँ पे, हमने जगह गुम किया हुआ है तो पता नहीं हमारा जगह कहाँ पे, जहाँ पे नट लगे हुए हैं वो हम जिस जगह पे जा रहे थे वो जगह हमने गायब किया हुआ है। तो अभी फिर से गाड़ी आ गई, लेकिन गाड़ी बहुत मिसिंग कर रहा है। रास्ता तो बहुत दूर है। फाइनली हम पहुंच गए जगह पे, तो यहाँ पे सारे सामान रखे हुए हैं, स्पीकर्स ये हो, और अदनान ने एक पकड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं बैंकू, कोयल बोलते हैं ना इंग्लिश में। अभी हम जा रहे हैं जगह पे और ये हैं स्पीकर्स, ये स्पीकर लगेंगे उसमें। We are going। और ये हैं टेप, इसमें म्यूजिकल सिस्टम वगैरह सारे होंगे। और ये कैसेट है यहाँ पे बैंकू के, ये पकड़ा हुआ है, इसको पकड़ो भाई, किसको इसको ये पकड़ो, ये अकेला पकड़ा हुआ है। बैटरी सिस्टम, ये है नट, मतलब यहाँ पे जाल लगे हुए हैं, अभी रात को हो सके नहीं दिखेगा तो सुबह दिखेगा। अभी हम जगह पे पहुंच गए, ये बैटरी और ये हैं टैप बोलते हैं, यहाँ पे स्पीकर सिस्टम लगेंगे। अभी चंगेज इसको बांध रहे, ये अभी सेंटर है, यहाँ पूरे कोने में जाल लगे हुए, ये पूरे चारों साइड में जाल लगे हुए हैं, ये वायर आएंगे म्यूजिक सिस्टम को लगेंगे, और ये प्लस पे लगेगा और ये माइनस पे लगेगा बैटरी में, प्लस एंड माइनस क्या है, कहाँ पर है, दो घंटे से घूम रहे थे। अभी रात है इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा, तो सुबह आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा जाल कहाँ लगे हुए हैं, तो पकड़ते कैसे। आवाज़ सुन रहे हैं, इसी तरह जाएंगे। यहाँ पे चाय बन रहा है, ये अब्दुल हमीद और समीर बलोच लगे हुए हैं। तो गोश्त को काटा जा रहा है, ये बारबेक्यू रेडी हो रहे हैं हमारे। आप सबको गुड मॉर्निंग, क्योंकि कल रात डार्क था तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया अच्छी तरह, तो अभी सुबह हो गई, तो बस अभी जा रहे हैं
बटेर को पकड़ने के लिए, और इसको उर्दू में बटेर बोलते हैं, तो बलूची में बोलते हैं बैंकू, और इंग्लिश में कोयल बोलते हैं। तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं जहाँ पे नट लगे हुए हैं, नट उनको बोलते हैं जो झाल लगे हुए हैं बम्बू से। तो हम आहिस्ता से यहाँ से उड़ा उड़ा के, अगर जो भी यहाँ बैठा होगा उड़ के जाके वहाँ पे नट में लग के, तो हम उसको पकड़ेंगे। और पकड़ने का तरीका यहाँ पे इस तरह करके पकड़ते हैं। अभी एक एक करके सब इस तरह आते जाएंगे, तो इस साइड से भी कुछ लड़के आते जाएंगे, इनको यहाँ से मुड़ा के तो ये जाल में लगेंगे। यहाँ पे कुछ लगे हुए हैं जाल में, कुछ पकड़े हुए हैं, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे पकड़े हैं जाल में। नीचे आ गए हैं तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कैसे पकड़ लिया। तो मतलब ये वहाँ से उड़ के जाल में इस तरह फंस जाते हैं, ये होंगे बटेर लटका हुआ, और इसको हम कोयल बोलते हैं, भाई बलूची में बोलते हैं बैंकू। हाँ, इसको गिशीरो गिशीरो। और ये भी एक यहाँ पे पकड़ा हुआ है, और हम आते जाएंगे आगे। ये जो पूरा जाल लगा हुआ है, इसे रात को मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि डार्क था बहुत। तो अभी ये जो पूरे जाल में लगे हुए हैं, एक जो इसलिए पकड़ा हुआ है यहाँ पे, और दूसरा आएंगे हम यहाँ पे, एक ये है, ये जो सारे जाल लगे हुए हैं इस कोने से लेकर उस कोने तक। तो मैं अभी इस तरफ आ गया, ये जो लड़के जा रहे हैं यहाँ पे उनको उड़ाते जाएंगे। तो जब भी उड़ते हैं तो इस तरफ आके जाल में लग जाते हैं, तो इसको हम बुट्टुक बोलते हैं बलूची में, तो उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, इनके अंदर बहुत सारे हो जाते हैं। यह जाल तो यहाँ लगा हुआ, इसके अंदर भी कुछ होंगे, मैं अभी जा रहा हूँ नज़दीक, आप लोगों को दिखाऊँगा। ये हो गया, मतलब यहाँ पे बैटरी लगा हुआ, टेप लगा हुआ, और ये म्यूजिक सिस्टम, तो इसके अंदर कुछ होगा तकरीबन। हाँ, एक उड़ गया, 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 और जाल पे लग गया। इसके अंदर दो हैं, हाँ उड़ गया, उड़ गया, दो तीन चार पाँच पकड़े हुए हैं। हाँ, उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ने दो संगेत, ब्याह 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 ब्याह, ईड़ नट्टी से टक्करन टिकरन टिकरन। हाँ, ये दो पकड़ लिए, तीसरा भी अभी उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे से पकड़, आगे से पकड़, जाल से निकलेगा, निकलेगा, निकलेगा। हाँ, पकड़ लिया, पकड़ लिया, ये पीछे की तरफ नहीं आ। हाँ, ये दो पकड़ लिए, ये भी अभी ये कोशिश कर रहे हैं निकलने का, लेकिन पकड़ा हुआ है क्योंकि मेरे हाथ पे कैमरा है, मैं नहीं जा सकता, तो वो उसको निकाल रहा है। वो पकड़ लिया, तुम कहाँ जाओगे भाई, तुम जितने भी तीर मारो तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे। ये तो मैंने डायरेक्ट पकड़ लिया, शेट, ये भी जाने वाला है, अभी देखते हैं, ये बैठा हुआ है अभी। हाँ, पीछे से आ, पीछे से आ, उड़ने नहीं दो, उड़ने नहीं दो, उड़ने नहीं दो, उड़ने नहीं दो, पकड़ लिया। मैंने कहा ये जाल से नीचे से निकलेगा ना, लेकिन नीचे से नहीं निकला। अभी कितने पकड़े तकरीबन, तकरीबन आठ नौ अभी इनने पकड़े हैं, तो आठ नौ उन्होंने पकड़े, आठ नौ इसने पकड़े, बहुत सारे हैं। अभी देखते हैं, अमीर है, पराद है, समीर है, हमजा है, चंगेज है। अभी देखते हैं, फिर से एक चक्कर लगाएंगे यहाँ गोल, या दूसरे शिफ्ट में आएंगे। इसमें देख कितने सारे पकड़े हुए हैं, सारे लांक में डाले हुए हैं शलवार के, बलूची शलवार का यही कमाल है। हाँ, बलूची शलवार इसलिए पहनते हैं कि बटेर डालने के लिए। तकरीबन हमने कितने पकड़े हैं, 45 करीब, 45 के करीब हमने पकड़े हैं अभी। तो हम रात से आए हैं यहाँ पे, तकरीबन रात को हम 2 बजे तक पहुँचे थे, हमने जगह गायब किया हुआ था, तो जगह ढूंढते ढूंढते रात के 2 बज गए। तो रात में हमने ये म्यूज़िक सिस्टम वगैरह लगाए, जो अभी आवाज़ आ रहा है, शायरी लगा रहे हैं ना बटेरों का, वो कह रहे टुटर, वो कह रहे वाह 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 वाह। हमें अंदर आ गया, अभी एक एक करके निकालेंगे, इसके अंदर डालेंगे, इसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा होंगे। मैं अभी बताना चाहूँ, ये जगह है यहाँ पे,
तो पसनी से हम आए थे, पसनी और गवादर के बीच में एक एरिया है नलेंट, तो नलेंट से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पे रोड, हम रोड से नीचे निकले तो ये पूरा एरिया है, यहाँ पे सुनसान जगह है, सिर्फ दो पहाड़े हैं पहाड़ों के बीच में, तो यहाँ पे सारे नट सिस्टम लगे हुए हैं। तो हम यहीं पे आए, हम दो गाड़ियाँ थे कल रात, तो एक तो सफ़ेद क्रोला खड़ा हुआ है ये तो सही है, और एक दूसरा गाड़ी है वो ख़राब हो गया हमारा, जो सारे सामान सिस्टम हम उसी गाड़ी से लाए थे, कोयल जो बटेर बोलते हैं, कोयल बोलते हैं, बैंकू बोलते हैं, बटेर बोलते हैं हर जुबान में, तो इसको पकड़ने का तरीका यही है, मतलब पहले जाल लगाते हैं बम्बू से, अलग चार कोनों में जाल लगाते हैं, बीच में अगर कोई पेड़ होगा कुछ होगा उस पेड़ में भी जाल लगाते हैं, तो इसके सेंटर में एक मतलब लकड़ी खड़ा करते हैं, तो उसमें स्पीकर लगाते हैं, स्पीकर होगा उसमें टेप होगा और कैसेट होगा, या अगर टेक्नोलॉजी का दौर है साउंड सिस्टम भी कर सकते हैं, या मतलब मेमोरी कार्ड से भी आप ये साउंड जो आप पीछे सुन रहे हैं, ये एरिया मतलब पसनी में लोग पकड़ते हैं, इसका एक सीज़न आता है, ये सीज़न तकरीबन ईद, बड़े ईद के नज़दीक या छोटे और बड़े ईद के बीच में ये सीज़न शुरू होता है हर साल, तो हर साल तकरीबन एक दिन में एक लोग 300 का भी पकड़ते हैं, कभी 200 पकड़ते हैं, कोई 50 पकड़ते हैं, कोई 500 भी पकड़ लेते हैं। सब पैकअप हो रहा है, बस अभी सारा पैकिंग मेकिंग सब कर लिया हमने, गाड़ी भी ठीक हो गया, तो इसमें डीजल का मसला था तो स्टार्ट नहीं हो रहा था, एयर लॉक निकाल दिया इन्होंने, अभी स्टार्ट हो गया, अभी बस निकलेंगे हम घर के लिए। हाँ, 1 2 3 शिकार हो गए ख़त्म, तो अभी हम रास्ते में घर जा रहे हैं, गवादर का रोड पकड़ा हुआ है, पसनी को हम पकड़ेंगे आगे। ये ऊँट हर वक्त सामने आते हैं, हर वक्त रोड के बीच में आ जाते हैं। ये जो बलूचिस्तान का जो हाईवे रोड है, यहाँ पे ज़्यादातर जो ऊँट होते हैं या गाय होते हैं रोड के बीच में आते हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंट की वजह यही होती है यहाँ पे। हे गाइस, फाइनली हम घर पहुंच गए, तो इस ब्लॉग को यहीं से हम करेंगे ख़त्म। ओके, सिया, अपना ख्याल रखा और अपने अल्लाह हाफिज़, साथ वालों का भी ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।